हेलो, सत श्री अकाल सारे नु। नेक्स्ट वीडियो मैं जो अब बनाऊंगा वो ध्यान से सुनना आप लोग। के बहुत लोग बोल लेते हैं कि जैसे मैंने सर्जरी करवा ली, किसी के कोई 1 महीने पहले पेन हुआ है ना, तो वो तो भी सर्जरी करवा रहा है। यार ये सब नहीं चलेगा। एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता। आपको सबको सर्जरी सोल्यूशन नहीं है। अगर मैंने 2022 में करवाई है तो 2022 के अंदर, सॉरी 2017 के अंदर मेरे बहुत ज्यादा पेन हो गया था। तो उस टाइम मैं रिकवरी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, सोचा कि ये करूं, पर मैंने, आप सच मानो, मैंने ठीक किया। उस टाइम अगर सर्जरी नहीं करवाई तो मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। 2017 का कोई भी कंपटीशन मैं लेता हूं तो मैंने 83 से नीचे किसी कंपटीशन में थ्रो नहीं करी। 83 से नीचे किसी कंपटीशन में थ्रो नहीं करी, बावजूद उस इंजरी होने के। ठीक है, इंजरी क्या थी? शोल्डर बिल्कुल खत्म हो चुका था, बट मैंने 18 के अंदर रिकवरी करने के लिए रिहैब वगैरह करता रहा। 19 के अंदर फिर से 80 80 मीटर की काफी थ्रो करी, पर 20 लॉकडाउन के बाद फिर ज्यादा बढ़ता गया, बहुत ज्यादा हो गया, एक्सट्रीम पेन जिसको बोलते हैं, तब जाके मैंने सर्जरी करवाई है। ना कि मेरे एल्बो में छोटा मोटा फ्रैक्चर दिखाया है तो मैंने सर्जरी करवा ली। फ्रैक्चर तो जुड़ जाता है, 60 दिन के अंदर आपका फ्रैक्चर जुड़ जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि आप, छोटा सा पेन हुआ, चलो भाग गए, एंकल की सर्जरी, नी की सर्जरी, बैक डिस्क प्रॉब्लम हो गई, सर्जरी। कभी रिहैब करो, स्ट्रेंथनिंग करके देखो किसी अच्छे क्वालिटी वाले फिजियो के पास, तब आपको पता चलेगा कि रिहैब के कितने एडवांटेज है हमारे लिए। तो ये सच्ची बता रहा हूं, ये मेरे पास बहुत लोग एमआरआई की फोटो भेज देते हैं, सॉरी मैं वीडियो में बोल रहा हूं, वो एमआरआई की फोटो भेज देते हैं, उसके अंदर लिखा होता है पार्शियल टीयर। अब पार्शियल टीयर क्या होता है? कोई चीज ऐसे जुड़ी है, वो हल्की सी खुल गई, तो पार्शियल ही हुआ, वो फुल टीयर नहीं हुआ। हेयर फ्रैक्चर और फ्रैक्चर में बहुत फर्क है। पार्शियल टीयर है तो कुछ दिन की रेस्ट करो, जो आप काम कर रहे हो, लाइक मान लो मेरे शोल्डर में पार्शियल टीयर है, तो मैं वेट ट्रेनिंग के अंदर स्नैच और क्लीन ना करूं, ना पुलओवर, स्क्वैट कर लूं, हैमस्ट्रिंग कर लूं, हिप थ्रस्ट कर लूं, ये सारे काम करूं, जेवलिन के साथ रनवे भाग लूं, जंपिंग कर लूं, ठीक है, कोर कर सकता हूं, बट मैंने क्या शोल्डर को बचाया, टीयर को बढ़ने नहीं दिया, है उसकी स्टेबिलिटी रखी। और देन रिहैब के टाइम पे आप 40 डेज के बाद रिहैब कर सकते हैं, स्टार्ट कर लो। 1 महीने की रिहैब के अंदर आपका पार्शियल थिकनेस टीयर जो भी था, पार्शियल टीयर, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो हर चीज का इलाज सर्जरी नहीं होती। आप प्लीज ध्यान दें, मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि सर्जरी के बाद उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, आप यंग एज में हैं, 18 18 20 20 साल के लड़के सर्जरी करवा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करवानी आपको। उसको रिलीफ कैसे मिलेगा, वो चीजें करनी है। फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छे फिजियो के पास जाओ, वो कभी सर्जरी के लिए हाँ नहीं बोलेगा आपको। तो जब हद से बढ़ जाए तब ऑपरेशन इलाज है इसका, सर्जरी। वो भी सर्जरी के अंदर बोलूं तो एर्थ्रोस्कोपी सबसे अच्छी है, दूरबीन से जो करते हैं। तो मेरी हुई है, मुझे पता चल रहा है कि इसके कितने फायदे हैं। मेरे अननेसेसरी पेन हो रहा था, वो खत्म हो गया, अब ठीक हो गया, क्योंकि एक्चुअली मेरे सारा ही शोल्डर टूट गया था, अंदर से खोखला हो गया था, फ्लूड के साथ, फ्लूड एक्चुअली गड़ा देता है किसी चीज को, तो उसने हड्डी को अंदर 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 गड़ा दिया था। तो अब पीछे से मांस लेके उन्होंने यहाँ रिपेयर किया है। ये छोटे छोटे जो चेपी दिख रही होगी टेप, इनके अंदर अगर काउंट करूं तो 10 10 पिन लगी हुई है टांके, ये इससे आगे उससे आगे पूरा शोल्डर कवर है, भरा हुआ है, एक जगह पे इतना बड़ा है। तो ये बता रहा हूं कि सर्जरी नहीं करवानी, ओके? तो इस चीज का आप सब ध्यान रखें, एक्सट्रीम के बाद सर्जरी की जरूरत है, उससे पहले नहीं, ओके? तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में, और बी फोकस्ड, अच्छी ट्रेनिंग करो, अच्छी डाइट लो, डाइट के साथ आप रिकवर कर सकते हैं, अच्छे सप्लीमेंट्स लें, कोलाजेन आप ऐड कर लो पक्का, आपके सप्लीमेंट्स के अंदर कोलाजेन पेप्टाइड, वो अच्छी चीज है आपकी हड्डियों के लिए, और इसके अलावा ग्लूकोजामाइन वगैरह लें, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।